हेलो फ्रेंड्स, आप करीना किचन में फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं वर्जिन मोहितो बनाने जा रही हूँ, जो पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और आपको गर्मी में रिफ्रेश कर देता है पीने पर। चलिए हम बनाते हैं वर्जिन मोहितो। देखिए वर्जिन मोहितो बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को लिया है। तो देखिए मैंने मिंट लिए हैं, पुदीने के कुछ पत्ते, नींबू को मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं, एक नींबू का रस लिया है, थोड़ी सी नमक, आइस क्यूब, चीनी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। पहले हम चीनी डालेंगे, एक चम्मच चीनी। फिर हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। मैंने सभी नींबू के रस को नहीं डाला है, मैं और बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी, बस इतना ही डालना है हमें। थोड़ी सी नमक और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें नींबू के स्लाइसेस में डाल दूंगी और कुछ पुदीने के पत्ते को। इसमें हम हल्का हल्का क्रश कर लेंगे कि हमारा मिंट पुदीने का जो पत्ता है और नींबू से रस निकल जाए। हल्का हल्का क्रश करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं क्रश करना है। देखिए मैंने क्रश कर लिया। इसमें अब आइस क्यूब को हम डाल देंगे और स्प्राइट, आप चाहे तो सोडा लीजिए या स्प्राइट लीजिए, और इसको हम डाल देंगे। देखिए हमारी वर्जिन मोहितो बन के तैयार है। इसमें हम ऊपर से एक मिंट की पत्ती को डाल देंगे जिसे देखने में अच्छा लगे, और नींबू की स्लाइस से इसे सजा देंगे। देखिए ये रेस्टोरेंट में हमारे 200 से 250 रुपये ग्लास मिलती है। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 10 रुपये का खर्चा लगा और वर्जिन मोहितो बन के तैयार है। आप इसे मेहमानों को ठंडा ठंडा सर्व करें। लग रही है ना यम्मी? अगर मेरी आपको ये डिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।